बताएं पंजाब के पीएसआरपी स्कूलों में 5,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया को मंजूरी भी दे दी। तुलबा के लिए नई मॉडर्न लैब भी तैयार की जाएगी। स्कूलों की तामीर मुरम्मत के लिए फंड्स कायम करने की तजवीज पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज वन अनीब जहीर से। अनीब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-इस्तेदार खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक जो अमूर था उनका तफसीली जायजा लिया गया, जिसके अंदर पंजाब के पीएसआरपी स्कूलों में 5,000 नए क्लासरूम बनाने की मंजूरी भी दी गई। इसके साथ जो तलबा की लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। उसके साथ ही इजलास में स्कूलों की तमीर और मरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स जो हैं वो भी कायम करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक भी हुआ है। और इसके साथ ही जो तलबा की मुताले की आदत है उसको फ़रोग देने के लिए सरकारी स्कूलों में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर भी गौर किया गया है। और साथ ही यूनिफॉर्म की जो पाबंदी है उसको यकीनी बनाया जाए, ऐसा कहना था मरियम नवाज का इजलास के अंदर। उसके साथ ही मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का मैार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना हमारा अजम है। और इसी के तहत 3,527 स्कूलों में 1,32,00,000 से जायद जो है वो जो उनका जो मील प्रोग्राम था उसके तहत मील टैक्स तकसीम किए जाएंगे। उसके साथ ही जो स्कूल मील प्रोग्राम शुरू होने के बाद तकरीबन 38,000 से जायद जो तलबा की इन्वॉलमेंट मुकम्मल की है, और तलबा को जो दूध पैक से मुतल्लिक रोजाना की डैशबोर्ड पर रिपोर्ट पेश की जाती थी उसको ब्रीफिंग भी दी गई है। जी अनीब जहीर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।